हेलो आया, आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, इसके बारे में। ये अक्सर बच्चों में दिखाई देता है, ऑटिज्म, और इसकी शुरुआत 3 साल के पहले होती है अक्सर। इसमें होता क्या है कि बच्चा अकेला अकेला रहना पसंद करता है, कुछ बातचीत नहीं करता किसके साथ में। हालांकि उसको बातचीत आती है, ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं आती, और वो किसी बातचीत नहीं करता। हो सकता है कुछ बच्चों में बातचीत मतलब लैंग्वेज डेवलप ही नहीं होती, वो भी हो सकता है। फिर ये बच्चा आंखों में आंख डाल के बात नहीं करेगा, इसके चेहरे के ऊपर कुछ हाव भाव नहीं रहेंगे, ये कोई इशारों के साथ में या फिर बॉडी पार्ट्स, जैसे अपन हिलते हैं ना बातचीत करने के समय, अपना कुछ हलचल होती है, वैसे वो हलचल नहीं करेगा बात करने के समय। बातचीत बाकी जो बच्चे उनके साथ में, उसके कुछ रिश्ते नहीं होंगे, और बाकी बच्चों के साथ में कुछ हंसी मजाक करना, खुशियाँ बांटना या उनके भावनाओं के साथ जुड़ जाना, ऐसा भी नहीं होते हैं। उनकी भावना जो है ना, वो एकदम फ्लैट रहती है, मतलब ना दुख है, ना सुख है, ना खुशी है, ऐसा एकदम ब्लैंक ऐसा फेस रहता है, और उनमें ऐसा कुछ नज़र भावना कुछ भी चेहरे के ऊपर नज़र नहीं आती। ये लोग इशारों से बिल्कुल ही बातचीत नहीं करते, मतलब इशारे से भी बातचीत नहीं कर पाते ये इनका काफ़ी, मतलब काफ़ी सारे बच्चों में बोलने की शुरुआत भी नहीं होती। फिर ये कुछ कुछ शब्द बार 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 दोहराते हैं, वही शब्द बार 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 दोहराएंगे, या फिर उनका कोई एखाद वस्तुओं के साथ में ऐसा प्री ऑक्यूपेशन होता है कि वही वस्तु पकड़ के बैठेंगे, वही शब्द पकड़ के बैठेंगे, या कोई भी चीज़ एखादी ऐसी पकड़ के बैठेंगे कि वो वहाँ से अपना लक्ष्य अलग करेंगे ही नहीं। ये बाकी बच्चों के साथ में खेलते नहीं हैं, बाकी मतलब ये उनके उनके साथ में भावनाओं से जुड़ना नहीं, हंसी मजाक नहीं, खुशियाँ बांटना नहीं, खेलना नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखना है, एक ही वस्तु पकड़ के रख दिया, या एक ही व्यक्ति को पकड़ के रख दिया, हाथ में हलचल कोई बॉडी की मतलब वो नहीं है बातचीत करने में, और अक्सर 3 साल के नीचे होता है। तो ये लोग मतलब उनके पेरेंट्स ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई अभी करना क्या है इसका। कुछ लोगों को लगता है कि ये स्किजोफ्रेनिया जैसी बीमारी है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, मगर ये ऑटिज़म है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। और जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, वैसे वैसे ये लोग अच्छे हो सकते हैं, या फिर इनका डेवलपमेंट स्किजोफ्रेनिया में हो सकता है, क्योंकि उनका सोशल इंट्रैक्शन नहीं, समाज में किसके साथ में या फैमिली में किसके साथ में बातचीत नहीं, रिलेशनशिप नहीं, विचारों का आदान प्रदान नहीं, अकेले अकेले रहना, बातचीत नहीं करना, इमोशनली किसी से जुड़ नहीं जाना, तो इसमें वो उनका डेवलपमेंट ही होता नहीं बराबर। और ये एक स्किजोफ्रेनिया बचपन का है, ऐसा कुछ लोगों का कहना था कि बचपन का स्किजोफ्रेनिया है। कुछ लोगों का स्किजोफ्रेनिया बाद में डेवलप हो जाता है, मतलब एक्चुअली रहता है ये ऑटिज़म। तो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, ट्रीटमेंट बहुत कठिन है। माँ बाप को काउंसलिंग करना, उनका डेवलपमेंट करने के लिए स्पेशल एजुकेशन बच्चों को देना, कुछ दवाई ट्राई कर सकते हैं जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन, एकदम हल्के फुल्के मतलब एकदम कम से कम मात्रा में कुछ दवाई ट्राई कर सकते हैं जिससे उनको सेडेशन ना हो, वो भी हो सकता है, और कुछ इसमें फ़ायदा हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें फ़र्क हो सकता है, या फिर कुछ केसेस में ये स्किजोफ्रेनिया में उनका डेवलपमेंट हो सकता है, या उनको स्किजोफ्रेनिया जैसी बीमारी हो सकती है। मेनली इनका जो है वो पेरेंटल काउंसलिंग, माँ बाप के साथ में काउंसलिंग, बच्चों के बाकी बच्चे बड़े होंगे उनके जो घर में, उनके साथ में बैठना और काउंसलिंग करना है, और कोई बड़े लोग होंगे उनके साथ में काउंसलिंग करना, साइकोथेरेपी करना, फैमिली का थेरेपी करना जरूरी है। और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिमांड न डालते हुए, बहुत ज़्यादा पेरेंट ने अपसेट न होते हुए, डिस्टर्ब न होते हुए उनकी परवरिश करना है, बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे बच्चे हैं कि जिनको ऐसा ये प्रॉब्लम है, ऑटिस्टिक बिहेवियर है, या ऑटिस्टिक प्रॉब्लम है, या ऑटिज़म है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, तो उनको ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों में एक एजुकेशन हो जाएगा कि भाई बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, अपने अपने डॉक्टर के पास में जाएंगे और इसका इलाज करवा लेंगे। इनका जो IQ है, ये हो सकता है कि नॉर्मल है, यदि वो IQ का टेस्ट करते हैं, या फिर अपन यदि माँ बाप से उनको पूछताछ करते हैं, तो कुछ हो सकता है कि IQ लेवल काफ़ी बच्चों का नॉर्मल रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता करके, मगर वो मानसिक, इमोशनल और थिंकिंग डेवलपमेंट नहीं होता, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो जरूर ये वीडियो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।